Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Green Hell, वही game जिस game में हम लोग last एक month से Amazon के खतरनाक rain forest, खतरनाक जंगलों के बीच में फंसे हुए हैं और हमें अपनी वाइफ means इस game की character की वाइफ मिया को ढूंढ के यहां से बाहर निकलना है. बट ये बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इस जंगल में काफी ज्यादा डेंजरस एनिमल्स और बहुत अजीबोगरीब इंसेक्ट है जो कि कभी भी काट लेते हैं, पूरी बॉडी में जहर फैल जाता है. बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं इस जंगल में सर्वाइव करना सीख गया हूँ. जब लास्ट टाइम हमारे ऊपर एक जगुआर ने मतलब एक तेंदुए ने अटैक किया था तो मैं उससे भी सर्वाइव कर लिया था और मुझे लगता नहीं उससे ज़्यादा डेंजरस कोई होगा. स्नेक वगैरह काटते हैं हम लोग बच जाते हैं उनसे, बट अगर अभी इससे भी कोई डेंजरस बचा है तो वो है इस जंगल का ब्लैक मैजिक. क्योंकि यहाँ पर जो आदिवासी रहते हैं ना भाई, उन पर बहुत अजीबोगरीब पावर्स है और उन्होंने ही शायद से मियाँ को छुपा रखा है हमसे. खैर जो भी है, हमें उससे लेकर यहाँ से बाहर निकलना है. ऑल राइट गाइस, तो जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा कि इस गेम में हम लोग जब भी किसी ट्राइब विलेज पे मीन्स आदिवासियों के जंगल पे पहुँचते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई बाउल होता है जिसमें हमें पानी डाल के, आग लगा के और कुछ पत्तियाँ मिला के एक लिक्विड बनाना होता है और उस लिक्विड को पीने के बाद हमें बीता हुआ सच मीन्स एकदम रियल पास्ट नज़र आता है और उस पास्ट में हमें मियाँ के बारे में कुछ ना कुछ जानने को मिलता है जिसे फॉलो करते हुए हमें उस तक पहुंचना है और उसे बचा के इस जंगल से बाहर निकलना है. पहले मैं सोच रहा था कि मियाँ सेफ है, हम लोग इस जंगल से बाहर निकलते हैं, गेम एंड हो जाएगा. बट अभी मुझे समझ आया कि मियाँ कोई बहुत ही डेंजरस ट्रैप में फंसी हुई है. मतलब यार देखो, मुझे मालूम है कि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होगी कि क्या है ये सब रिचुअल वगैरह, कुछ समझ नहीं आ रहा. तो देखो भाई, सीन ऐसा है कि पहले के टाइम में मीन्स अभी भी जहाँ पर आदिवासी रहते हैं ना, वो लोग इन सब चीज़ों पे सिंपल भाषा में कहूँ तो ब्लैक मैजिक पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और शायद सच्ची में ऐसा कुछ होता भी है और इस गेम में वो चीज़ प्रूफ भी हो रही है. खैर ठीक है, यहाँ से कुछ बाउल कलेक्ट करते हैं. मुझे अभी यहाँ से आगे बढ़ना होगा क्योंकि मियाँ को बचा के हमें जल्दी से जंगल से बाहर निकलना है और जंगल से बाहर निकलने का अभी भी कोई खास रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा. बाकी शायद कोई एनिमल मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आया है. मुझे डरने वाली बात नहीं है, मेरे पास एक बहुत अच्छा आर्मर है. हेलो, कौन है? झाड़ियों से आवाज़ तो आ रही है बहुत तेज. मैं जाके सो रहा हूँ, टाइम कितना हो रहा है, मैं अभी नहीं जाऊँगा, 5:30 बज रहे हैं. मेरे हिसाब से मुझे सोना चाहिए. नेक्स्ट डे मीन्स अगली सुबह हम लोग निकलने वाले हैं मियाँ को ढूंढने के लिए. ऑल राइट गाइस, गुड मॉर्निंग. सुबह के 11 बज चुके हैं, मैं सोकर उठ चुका हूँ. बारिश अभी भी नहीं रुकी है भाई, कल रात से कॉन्टिन्यूसली बारिश हो रही है. ठीक है यार, वैसे अपने लिए फ़ायदेमंद ही रहती है बारिश, बस उसमें थोड़ा सा नुकसान ये रहता है कि अगर बाई चांस कोई एनिमल वगैरह हमारे ऊपर अटैक करे ना तो उसकी आवाज़ नहीं आती, बस यही प्रॉब्लम है. वरना तो बारिश का एडवांटेज ये है कि हमेशा हमें पानी मिलते रहता है और हमारी बॉडी बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं होती. बाकी फूड मुझे थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए, मेरी बॉडी को इस टाइम खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मेरे पास फूड पड़ा था, मैंने इसे पकाया नहीं. कोई नहीं, इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इससे हमें मैगोट्स मिलेंगे और बाय चांस हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो हम लोग उसे ठीक कर पाएंगे. मैं कह रहा हूँ ना, मैं सर्वाइव करना सीख गया हूँ अभी, तो मेरे को ऐसे जंगल से जल्दी भागने की जल्दी नहीं है. पहले मैं सोच रहा था कि बस मैं जंगल से निकल जाऊं, बट अभी मेरे को क्लियर हो गया है कोई टेंशन वाली बात नहीं है. अपने पास बैंडेज वगैरह भी बहुत ज़्यादा है. बाकी हाँ यार, अपने हमने खाना तो खा लेंगे, बीच में बनाना वगैरह मिल जाएंगे वो भी खा लेंगे, फ्रूट्स वगैरह मिल ही जाते हैं. पानी मैंने दबा के पी लिया है. ये एक मैंने शेल्टर बनाया था जहाँ पर मैंने अपनी गेम सेव करी थी. सब कुछ एकदम ओके है, मुझे भी यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि मैं बैक साइड से आया था. एक यही रास्ता है जो कि मुझे आगे लेकर जाने वाला है. और हमने जब रिचुअल कंप्लीट करा था और वो जो छोटा सा बच्चा हमें दिखा था वो भी इसी डायरेक्शन में भागता हुआ गया था. ये वाली केव उस टाइम बंद थी, बट जैसे हमने वो रिचुअल कंप्लीट करा ये वाली केव खुल गई है. यानी अभी मुझे पक्का यहीं से जाना है और मैं एकदम सही जा रहा हूँ. वेपन्स के नाम पे मेरे पास एक स्पीयर है, एक बो है जिसमें बहुत सारी एरोज हैं और साथ ही मेरे पास एक ऑब्सीडियन का स्पीयर नहीं, आप लोग इसे ऑब्सीडियन ब्लेड कह सकते हो, जो कि सच्ची में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो मुझे इसी आदिवासियों के जंगल से मिली थी. बाकी एक बारी नीचे देखो भाई, कितना ज़्यादा डरावना माहौल हो रखा है, मैं नहीं देखने वाला भाई, बहुत ज़्यादा गहरी खाई है. और इन सब जगहों पे तो ऐसा सीन है, हल्का सा पैर फिसला और सीधा बंदे की जान गई. तो इसलिए बातें कम करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं. और मैं कह रहा था ना, फ्रूट बीच रास्ते में चलते चलते मुझे मिल ही जाना है और मुझे मिल गया. बाकी यहाँ से एक लॉग मतलब वुडन ट्री का टूटा हुआ पार्ट पड़ा है
भाई वेट, मेरे आसपास कोई तो डेंजरस एनिमल है जिसकी मुझे आवाज आई। सामने एक केमन है भाई, कितना बड़ा क्रोकोडाइल है ये। वेट, मुझे इसका मुंह फोड़ना होगा। वैसे ना ये काफी ज्यादा एकदम ऐसे नॉर्मल से होते हैं। आ रहा है तीरी, ऐसे क्यों निकल यहाँ से, मर गया वो। वेट, उसमें जान है अभी भी। अभी मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, ठीक है ना। दो खोड़ी के क्रोकोडाइल, रुक जाओ, खाने का जुगाड़ गाइस अपने पास हो गया है। इसकी पूरी बॉडी कट करके अपने बैग में डालते हैं। भाई मैं कह रहा था ना, अपना इस टाइम कोई तोड़ नहीं है। लॉन्ग रेंज फाइट हो, शॉर्ट रेंज फाइट हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और बाय चांस अगर कोई एनिमल हमारे ऊपर झटके से भी अटैक कर देता है ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मेरी बॉडी ना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, और शायद मेरी बॉडी में कोई तो प्रॉब्लम भी हुई है। हाँ, पैर तो मेरे ठीक हैं, बॉडी गंदी होने से ना इन्फेक्शन हो जाता है शायद, मुझे देखना। अरे यार, ये जोंक मेरे चिपक गई है भाई, इस क्रोकोडाइल में चिपकी रही होगी, इसकी वजह से मेरे ऊपर आ गई। ठीक है, तो मैंने इसे उठा के फेंक दिया है। बाकी मुझे एक बार अपनी बॉडी ना वॉश कर लेनी चाहिए फटाफट से। यहाँ पर एक कोकोनट था, इसे पी लेता हूँ। पहले मैं कोकोनट उठाता था, बट ये देखो हम लोग यहीं से तोड़ के डायरेक्टली खा भी सकते हैं। हमें इसके लिए अपना बैकपैक खाली करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारा पानी भी है, तो लगे हाथ यहाँ पर हम लोग अपनी बॉडी भी साफ कर लेते हैं जल्दी से। वैसे गाइस मुझे, वेट, सामने एक छोटा सा आइलैंड है, बट मुझे पहले उस आइलैंड पे जाना चाहिए ना, ये देखना होगा। और मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे ना पहले पता नहीं था कि मेरे हाथ पे चींटियाँ कैसे काट लेती है। तो ये जो चीज़ है ना, इसमें रहती हैं बहुत सारी चींटियाँ, इनसे रहना होता बहुत दूर। अब पहले मैं नोटिस नहीं करता था ये सब, मतलब मैंने कह रहा हूँ ना, मैं जंगल में बहुत अच्छे सर्वाइव कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पता चल चुकी है कि ग्रीन हेल के जंगल में क्या क्या डेंजरस चीज़ें हैं, क्या क्या डेंजरस नहीं है, कौन से मशरूम मैं खा सकता हूँ, कौन से नहीं खाने चाहिए। वैसे तो मशरूम यहाँ पर जितने भी होते हैं ना, सारे ही बढ़िया रहते हैं, बट कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सच्ची में अगर छोटी सी होगी दिखने में, बट अगर खा ली तो लो भाई, दिन रात लेने के देने पड़ जाएंगे। बाकी सामने ना मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो इम्पोर्टेंट जगह है, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए या फिर नहीं। मेरे आसपास क्रोकोडाइल था, तो अगर मैं पानी से तैरता हुआ जाऊँगा और बाय चांस कोई अलग क्रोकोडाइल ने मुझे देख लिया ना, तो वो बीच रास्ते में मुझे काट सकता है, मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर उतना भी पानी नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं सेफ हूँ। कोई चींटियाँ चिपकने की कोशिश कर रही थी बट चिपक नहीं पाई। मैंने शायद से कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोकेशन ढूंढ लिया है। मुझे थोड़ा बहुत सोच समझ के यहाँ से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आदिवासी बैठे रहते हैं। बाकी मुझे लग तो नहीं रहा यहाँ पर कोई है, ये एक छोटा सा कैंप है, शायद मेरे जैसे किसी सर्वाइवर का कैंप है, क्योंकि आदिवासियों के जो विलेज होते हैं ना, नॉर्मली वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं इस तरीके से, ऐसे कोकोनट वगैरह। ओ वाओ, कोकोनट की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर तो बड़े सारे कोकोनट है। फोड़ना नहीं था मुझे इसका, पहले पानी पीना है फिर मुझे इसे फोड़ना है, ताकि मैं इसे यहीं से खा पाऊँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, वैसे कोकोनट का ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है यार, बहुत सही चीज़ होती है, इसे हम लोग पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, कैरी करके और पानी इकट्ठा भी कर सकते हैं। बट वेट, ये क्या है सामने, एक पूरा का पूरा एनाकोंडा यहाँ पर इन लोगों ने मार रखा है। क्या मैं इसे कुक करके खा सकता हूँ, मेरा महीने भर का भोजन हो जाएगा। बट ये बहुत पुराना है, ये मतलब काफ़ी दिनों का बेचारा यहाँ पे मरा हुआ है। भाई सही में यहाँ पर कोई डेंजरस बंदा ही आया होगा सर्वाइव करने। यहाँ पर एक फिशिंग रोड है, वेट, एक फिशिंग रोड मैं से ले सकता हूँ क्या? ओ नाइस, मेरे को गाइस अभी एक फिशिंग रोड मिल चुका है, और यहाँ पर मैं अपना गेम भी सेव कर सकता हूँ। लेट्स गो, गेम तो मैंने सेव कर लिया है। यहाँ पर काफ़ी सारे नोटबुक्स हैं, बट मुझे उसे रीड नहीं करना, क्योंकि इतना सब कुछ उसमें लिखा होता है ना, जितना मुझे जानने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारा फूड इकट्ठा हो गया है, और मुझे कुछ ना कुछ फेंकना पड़ेगा अपने बैकपैक से, क्योंकि ये पूरा भर चुका है। बाकी एक फिशिंग रोड मिली है, तो फिशिंग करना बनता है। बट अभी ना मैंने पीछे एक कैंप फायर देखा था, लेट्स गो। इस कैंप फायर में ना यार, मैं दो दो प्लैंक्स क्यों लेकर घूम रहा हूँ, मुझे एक हैंड ड्रिल बनानी है, ताकि मैं उससे आग लगा सकूँ कुछ इस टाइप से। और हैंड ड्रिल जैसी बन जाएगी, मुझे इसे यूज़ करना है, इसमें कोई भी ड्राई चीज़ डालनी है। अब मेरे को मेनली क्या करना है ना, जो मैंने क्रोकोडाइल को मारा था उसका सारा का सारा मीट मुझे पका के इसमें डालना है, ताकि वो जब तक पके तब तक मैं अपनी फिशिंग भी कर लूँ, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे कोई दूसरी जगह एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी जब भी हम आग जलाते हैं, इसमें अगर चारकोल डाल देना
तो आग बहुत देर तक जलती है। और पहले मुझे पता नहीं था कि हम लोग ऊपर से भी और लकड़ियाँ रख सकते हैं, वरना मैं उसी पर डिपेंड हो जाता था जितनी मैं लेता था। ठीक है, फालतू की चीज़ें ना पहले यहाँ से उठा के साइड करते हैं, फिर इसमें खाना पकाने के लिए डालते हैं। तो यहाँ पर ये रखते हैं, यहाँ ये रखते हैं, यहाँ ये रख देता हूँ मैं साइड में, और इस साइड ये रखते हैं। बाकी जितना भी गंद मैं लेके घूम रहा हूँ, फॉर एग्जांपल बैकपैक फुल करने के लिए, वो सब फेंकते हैं। ऑल राइट, तो अभी मुझे देखना होगा कि आखिरकार मैं फिशिंग कैसे कर सकता हूँ। साथ के साथ हम लोग पानी भी यहाँ पर पीते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई अपनी बॉडी को पानी की। हाँ, तो यहाँ पर वेट, यहाँ कुछ पड़ा हुआ है, ये क्या है? प्रॉन रॉ, प्रॉन, ये किसी टाइप का वाटर। वेट, इसको मैं पका सकता हूँ क्या? शायद मैं इसे पका के खा सकता हूँ। वैसे मेरे पास ना अभी फूड की बिल्कुल भी कमी नहीं है, मुझे फ़िशिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और फ़िशिंग करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि क्या क्या हमें करना होता है, किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत है सबसे पहले। हाँ, फ़िशिंग कहाँ से होती है? ये रही फ़िशिंग। तो फ़िशिंग करने के लिए हमें सबसे पहले बनानी होगी फ़िशिंग हुक, और फ़िशिंग हुक हम बना सकते हैं हम लोग बोन। ओके ठीक है, मुझे एक हड्डी का टुकड़ा चाहिए होगा, मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इससे हमने बना लिया एक बोन हुक। और शायद से मुझे इसे अपनी फ़िशिंग रॉड पर लगाना है। नाइस, तो हमें इसे फ़िशिंग रॉड पे लगाना है। और इसके लिए मेरे को, मैंने जहाँ तक देखा हुआ है, हमें एक मशरूम चाहिए होगा। वेट, मशरूम मेरे पास नहीं है, रेड मशरूम हमें चाहिए इसके लिए। रेड मशरूम मैं ढूंढ के लाता हूँ। बाकी मुझे ना एक बहुत ज़्यादा टेस्टी चीज़ नज़र आ गई है, बनाना, फटाफट हम इसे खाते हैं। बैग में क्यों रख रहा हूँ, डायरेक्ट तोड़ के खा लेते हैं। वैसे गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास ना अभी खाने की कमी बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस फिशिंग ऐसी टाइम पास के लिए कर ले रहा हूँ। यार मशरूम तो मुझे मिले नहीं, बट मुझे जल्दी से जल्दी अपने कैंप पे वापस जाना होगा, क्योंकि वो जो फूड मैंने कुक होने के लिए रखा था ना, हो सकता है कि वो अभी तक पूरा बर्न हो गया हो। काश ना हुआ तो बढ़िया, बच गए भाई। मैं अगर थोड़ा सा भी लेट होता ना, तो शायद से सारा का सारा खाना जल जाता। बाकी जितना मैंने फूड उठाया ना, पहले हम लोग इसे फटाफट से खा लेते हैं। और यहाँ पर एक ये भी था जो मैं कीड़ा पकड़ के लाया था पानी से, वो भी यहाँ पर रख देता हूँ। बाकी हाँ, मेरे को एक मशरूम तो मिल ही गया था, ठीक है। तो अभी मुझे इसको, मैं येलो मशरूम नहीं, येलो नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग रेड मशरूम रख सकते हैं फिशिंग के लिए। लेट्स गो, मशरूम मैंने रख दिया है और कुक्ड फूड मैंने उठा लिया है। यार फिशिंग ना अगले दिन कर लेंगे, अभी फटाफट से ना चल के सोते हैं। भाई झटके से इतना गदर अंधेरा हुआ है ना, मतलब मैं अंधेरे से नहीं डर रहा मेरे को भाई, मतलब दिन में काम करना ज़्यादा सही लगता है। तो यहाँ से ना मैं पहले एक काम करता हूँ, वेट, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मुझे अपना एक बेड बना लेना चाहिए सबसे पहले यहाँ पर। वेट, मैं खाली पीली बेड बनाने में लगा हुआ हूँ। यहाँ पर एक ऑलरेडी लीफ बेड बना हुआ है। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। पता नहीं आ रही बारिश कब रुकने का नाम लेगी, पिछले इतने दिनों से देख रहा हूँ भाई, बारिश रुक ही नहीं रही है। आज दूसरा तीसरा दिन है बट अभी तक बारिश नहीं रुकी। खैर ठीक है, इस जगह को भी हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। अपना जितना सामान है, जितना पानी वानी है, बाउल वगैरह यहाँ से इकट्ठे करते हैं, और अभी जल्दी से जल्दी हम लोग इस जगह से आगे बढ़ते हैं। मैंने इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। हम लोग इस साइड से आए थे और शायद मुझे आगे जाना चाहिए। यहाँ पर ये वाली आग बस बुझने वाली है, मैं सोच रहा हूँ इसमें से थोड़ा सा चारकोल इकट्ठा कर लेंगे, बट ठीक है यार, मिल जाते हैं, इतना भी ज़्यादा रेयर नहीं है। बाकी इधर एक ट्रोटेड ऑइस है, खैर इसको मैं क्या ही मारूँ यार, कुछ नहीं मिलता। इससे एक बड़ा बाउल मिलता है, और उस बाउल को हम लोग ज़्यादा पानी इकट्ठा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल सी बात है, दो कोकोनट बाउल मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहते हैं। वैसे ना यार, मेरी बॉडी में शायद से कोई ना कोई तो कीड़े चिपके। वेट यार, तेरी ऐसी की तैसी, मैं फिशिंग रोड से क्यों मार रहा हूँ तेरी भैंस की? निकल यहाँ से यार। क्या भाई, आराम से जीने दोगे? नहीं जीने दोगे? इधर आप, तू पूरी बॉडी खोल। अब हड्डी वड्डी तो इसमें से मेरे को दो ही मिली है। अगर वहाँ पर अपनी आग जल रही होगी ना, तो मैं फटाफट से इसका भी सारा का सारा फूड कुक कर डालूंगा। ऑल राइट, वहाँ पे अभी भी आग जल रही है, यानी कि हम लोग खाना पका सकते हैं। मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा, क्योंकि इसमें हल्की फुल्की आँच और रह गई है। मुझे इसके अंदर फटाफट से ना लकड़ियाँ लगानी होगी। 1, 2, 3, अब तो ये बहुत देर तक नहीं बुझने वाली। लेट्स गो, अपने पास अब बहुत ज़्यादा खाना इकट्ठा हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना, बस इसको यहाँ पर रखना है। बिग कैट का मीट है भाई, लेट्स गो। और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं कुक कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं है मेरे पास खास। वैसे आप में से बहुत से लोग कह रहे थे कि हम लोग कैन को ना मेल्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए शायद मुझे कोई बाउल वगैरह चाहिए होगा। मीन्स इस आयरन को मेल्ट करके हम लोग आयरन के टूल बना सकते हैं। मैं समझ गया था, बट मैंने ट्राई नहीं किया। ओके गाइस, तो सारा का सारा फूड कुक हो चुका है, अभी मुझे यहाँ से आगे निकलना चाहिए। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं कह रहा था ना भाई, हम लोग गॉड हो चुके हैं अभी इस जंगल के। बेचारा वो
टाइगर आया, बिग कैट, इसमें उसका नाम बिग कैट है, वैसे है वो इन टाइगर वगैरह की बिरादरी का। उसने पूरा जोर लगा दिया हम पे हमार को मारने के लिए, क्या ही अटैक कर रहा था, बट बेचारा टच भी नहीं कर पाया हमें। खैर ठीक है, मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है, मुझे देखना होगा कि मेरे को इस डायरेक्शन में अगर मैं जाता हूँ तो मैं कहाँ पहुँचूंगा। गाइस अभी ना सामने मुझे एक अलग सी चीज़ नज़र आई है जो कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की है, बट मैं उस तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि वो ऊपर वाले माउंटेन पे है। मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई ऐसे लकड़ी वगैरह का टूटा हुआ पीस ढूंढना पड़ेगा जिसके थ्रू मैं क्लाइंब करके वहाँ तक जा पाऊँ, या फिर कोई सिंपल सा ही रास्ता ढूंढना होगा जो कि मुझे वहाँ तक लेकर जा पाए। बट मैं पीछे से घूमता हुआ आ रहा हूँ, मुझे अभी तक ऐसा कोई भी रास्ता नहीं मिला है। ये माउंटेन बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है, मुझे नहीं लगता वहाँ पर जाना पॉसिबल है। वेट, मेरे को अभी रुक जाओ, वहाँ पर जाने की छोड़ो, जहाँ पर मैं चल रहा था मुझे वहाँ से भी नीचे कूदना पड़ गया। हाँ ओह नहीं नहीं नहीं, वेट वेट वेट, सामने कुछ तो है, सामने एक गली गई हुई है पतली सी शायद। ओह ये मुझे रास्ता थोड़ा अलग सा मिला, अभी मैं शायद से ऊपर आ चुका हूँ, ये थोड़ी सी ऊंचाई पर मैं आया हूँ, पता नहीं अगर मैं ऊंचाई पर नहीं आया तो मैं किसी तो अलग जगह पर आया हूँ जहाँ से शायद मुझे कोई आगे का रास्ता मिलने वाला है। खैर इधर तो रास्ता बंद है, मैं सोच रहा हूँ आगे का रास्ता मिलेगा बट इधर रास्ता बंद है, पर यहाँ पर मुझे शायद से एक केव मिल चुकी है। केव छोड़ो, मुझे ऊपर चढ़ने के लिए एक मस्त जगह मिल गई है जहाँ पर मैं अपना हुक डाल के क्लाइंब कर सकता हूँ, लेट्स गो। तो यहाँ पर भी मस्त एकदम हुक डाल के हम लोग ऊपर आ चुके हैं। ऊपर राइट साइड में केव जा रही थी जो कि केव आगे को बंद है, बट यहाँ पर एक और है क्लाइंब हुक के लिए, हम लोग यहाँ पर भी हुक डाल के और ऊपर जा सकते हैं। ऑल राइट, तो अभी मैं और भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ। भगवान बारिश रोक दो यार थोड़ी देर, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। वो तो लास्ट टाइम आर्मर ना पहना होता तो वो चीता मुझे खा ही जाता, बट ठीक है हम लोग उससे बच गए। मुझे अभी यहाँ से आगे बढ़ना होगा, कहीं तो मैं अलग सी जगह पर आ गया हूँ। यहाँ पर कोई क्रोकोडाइल वगैरह तो नहीं है ना यार, हो तो पहली बता देना मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि डर नहीं लगता तुमसे मतलब मजाक कर रहा हूँ। वैसे हाँ अभी सामने एक माउंटेन है, उस माउंटेन तक पहुँचने के लिए अगर कोई रास्ता वगैरह हो मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। शायद मुझे लेफ्ट साइड में चलना चाहिए पहले, यहीं से कोई ना कोई रास्ता होगा वहाँ तक पहुँचने का। वहाँ पर मुझे एक बड़ी सी ना लकड़ी नज़र आ रही थी, क्या पता हम लोग उस लकड़ी पे चढ़, वेट यहाँ पर है देखो इसी लकड़ी की मैं बात कर रहा था, मुझे इसके ऊपर चढ़ना है और यहाँ से आगे बढ़ना है। वाह क्या ही बना है, इसके ऊपर चढ़ना है और यहाँ से आगे बढ़ना है। हाँ बढ़ते बढ़ते मैं यहाँ तक पहुँच तो गया हूँ बट मुझे कुछ भी खास देखने को नहीं मिला। यार ये जो सांप बैठे रहते हैं ना अलग अलग जगह पे छुप के, इनकी आवाज़ ना आए ना तो ये दो मिनट में काट लें। वो तो ठीक है इनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। और हम लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं, वेट ये मैं कहाँ पे आ गया भाई साहब, मुझे एक और कैंप मिल गया। वेट ये कैंप नहीं है, मुझे एक बारी मियां से बात करनी होगी। आई फाउंड जस्ट एन एयर स्ट्रिप, ये कोई एयरपोर्ट है, हम लोग एस्केप कर गए आज पक्का। What are you waiting for? Radio for help. हाँ हाँ यार रेडियो होगा, वेट मैं ट्राई करता हूँ। भाई साहब गाइस ये मैं इस चीज को देख के समझ गया था यार, ये एक एयरपोर्ट हमें मिल चुका। बारिश बंद हो जा, ठीक है यार दो मिनट के लिए बंद हो जा। भाई इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई कसम से। बाकी यार यहाँ पर एक रेडियो मुझे मियाँ ने ढूंढने के लिए बोला है, रेडियो 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 रेडियो, वेट यहाँ पर एक रेडियो है। लेकिन मियाँ को कैसे पता इतना सब कुछ, हाँ वो यहाँ पर आई होगी यानी। लेकिन यार हर हर एक एयरपोर्ट पे रेडियो होता है, मुझे ऑन करना होगा इसे। फिक्स द रेडियो सिग्नल, अब मुझे इसे पहले ठीक करना होगा भाई, ये भी ठीक है। एक तो इतनी मुश्किल से जाके एक रेडियो मिला और अभी मुझे इसे ठीक करना है। वैसे गाइस इसमें से ना एक वायर जा रही है येलो कलर की, जो कि वायर शायद से इधर को जा रही है, क्या ये वायर के थ्रू फिक्स हो सकता है? अगर हो गया तो बढ़िया है, वरना शायद मुझे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी कि प्रॉपर यहाँ तक आई तो हुई है रेडियो टावर तक, बट इसमें ओ यहाँ पर वायर कट है एंटीना की, लेट्स गो। तो मुझे बस इस वायर को जोड़ना था शायद, और काश अभी ये फिक्स हो गया हो, अगर ये हो गया तो हम लोग यहाँ से इजीली एस्केप कर सकते हैं, बट विदाउट मियाँ, हमें उसका पता नहीं है वो कहाँ पर है। ये रहा रेडियो, मेरे को इसमें से बात करनी है, प्लीज़ हो जानी चाहिए बात। हेलो कैन एनीवन हियर मी?
I need help. Hello? Anyone, come in, please. शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही. I need help. किसी भी चैनल पे नहीं पहुंच रही. हम लोग चैनल भी चेंज करके ट्राई कर रहे हैं. क्या भाई, किसी भी इसमें से की निकला. Copy, this is Manaus control tower, over. You can hear me. हमारी आवाज जा रही है. You can hear me? I need help. Affirmative, keep calm now. I can hear you. You're going to be all right. Okay. Please give us your name and position, over. This is Jake Higgins. I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle. I'm not sure where exactly. उसको मैंने पूरा बता दिया कि जो एयरस्ट्रिप है मुझे मिडिल जंगल के एकदम मिडिल में मिली है. Again? Okay. I know where you are. Please hold. Over. ये ऐसे क्यों कर रहा है? Okay. Wait. Are you alone? No. Over. There's a girl with me, Mia. Copy. ये मुझसे पूछ रहा है कि तुम अकेले हो या नहीं? Over. Wait यार. I'm alone. या मैं से बता तो चुका हूँ कि मेरे साथ है वो. Listen, I told you already. क्योंकि no other man जंगल here. में तो है ही. I'm with a girl. We're talking over the radio. Over. Yeah. Can you hear me? अब उनका रिप आया आया. Stay where you are. Okay. Over. तो will someone fly over? How long shall I wait? Keep calm and stay put. Help is on the way. Okay. Over and out. ओके 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 ठीक है, मुझे इससे बात करनी चाहिए अभी. और am I supposed to just wait for god knows how long? रिप्लाई तो करो, कब आने वाले हो मुझे लेने? Thank you. भाई कितने अकड़ू बनने हैं. Answer me. I don't know what's going on. Fuck. उधर एक की है जो कि गिरे जा रही है. यार देखो, उन्होंने बोला है कि हम लोग आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं. Mia. बट कब आ रहे हैं कुछ नहीं पता. I found an airstrip and the radio is working. Help is on the way. But at last. मियां कहां पर है? Strange conversation. They asked me if there was a man here. Any idea what all that was about? हाँ, ये चीज मुझे भी थोड़ी अजीब सी लगी. वो बार-बार ही पूछ रहे थे. Right. And since I know how to get out. अकेले हो या नहीं, अकेले हो या नहीं, एक ही चीज बार-बार रिपीट कर रहे थे वो. Come home. Guys, अभी ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. मतलब इसकी जो वाइफ है मिया, वो उसका कुछ अता पता नहीं है. वो बस कह रहे हैं कि तुम घर आ जाओ, बस तुम घर आ जाओ. बट उसका कुछ अता पता नहीं है कि वो सेफ है या फिर नहीं, वो कहां पर है, कोई आइडिया नहीं. बाकी मैं जो की मुझे मिली थी उसको लेकर मैं अंदर तो आया हूँ. और यहां पर मुझे एक मैप मिला, एक रस्टी एक्स मिल गई है. इस रस्टी एक्स को मैं अपने एक काम करता हूँ, ये जो बोन नाइफ है इसे साइड रखते हैं. रस्टी एक्स मैं अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगी मेरे हिसाब से. बाकी यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, शायद से स्कूबा डाइविंग के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर है और भी बहुत सारा मटेरियल है यहाँ पर. मतलब ट्राइब के बंदे आ गए बाहर. वेट, कहाँ हो बे, तुम्हारी ऐसे की तैसी मुंह फोड़ दूंगा. आते उनकी मेरे को आवाज़ आई है, वो पक्का आसपास घूम रहे हैं. बट वो मुझे अभी मारने नहीं आए हैं. नहीं नहीं, अभी बेमतलब क्यों मारने आएंगे. मुझे ना चल के शायद से सोना चाहिए. अपने पास खाने पीने का भी मस्त जुगाड़ है और अंदर बहुत सही बेड भी है. बस कहीं ऐसा ना हो कि मैं जैसे सोऊं और वो मुझे आके मार दे, वो बहुत बड़ी चीटिंग हो जाएगी भाई, ठीक है ना, पहले ही बता रहा हूँ. हाँ, अपनी बॉडी भी मेरे हिसाब से बिल्कुल ओके है. मुझे बस थोड़ा बहुत खाना भी नहीं, उठने के बाद खाना होगा. फिलहाल सोते हैं. ओके, तो दोपहर के 2 बज चुके हैं और अभी मुझे बाहर निकल के देखना चाहिए कि कोई मेरी हेल्प के लिए आया या फिर नहीं. हेलो, कोई प्लेन, हेलीकॉप्टर. भाई एकदम चांद क्लियर नज़र आ रहा है इतने डेंजरस मौसम में भी. पर यार कोई भी हमारी हेल्प के लिए नहीं आया. शायद वो लोग सुबह आएंगे. मैं थोड़ी देर और सो लेता हूँ, ठीक है. ऑल राइट गाइस, तो अभी फ़िलहाल अगला दिन हो चुका है. सुबह के 10:30 बज रहे हैं, सॉरी 10:15 बज रहे हैं और मैं सो के उठ चुका हूँ. बट वेट, पूरी रात बीत गई, अगला दिन हो गया, बारिश हो रही थी, मौसम भी साफ हो गया, बट अभी तक उनमें से कोई भी बंदा हमारी हेल्प के लिए नहीं आया है. वो लोग लास्ट टाइम बोल रहे थे कि हम जल्द से जल्द तुम्हारे पास तक पहुंच रहे हैं, तुम जहां पर हो वहीं रहना. और मैं तब से यही हूं, बट कोई भी नहीं आया भाई हमारी हेल्प के लिए. मुझे नहीं लगता यार वो लोग हमें बचाने के लिए आने वाले हैं. पता नहीं यार कैसे ही लोग हैं. ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पर एक छोटा सा और कमरा सा है, बट शायद से इसके अंदर कोई भी नहीं है और ना ही मुझे यहाँ पर कोई काम की चीज़ मिलने वाली है. मुझे ना शायद यहाँ से अभी थोड़ा बहुत आगे बढ़ना चाहिए.
क्योंकि शायद आगे जाकर मुझे कोई ना कोई तो रास्ता मिले, वरना तो लेफ्ट साइड में भी रास्ता जा रहा है, राइट साइड में भी रास्ता जा रहा है, पर मुझे एक बार सामने ही चलना चाहिए क्योंकि एकदम खुला आसमान नजर आ रहा है वहां पर। शायद कुछ ना कुछ बढ़िया नज़ारा देखने को मिले या फिर उन्हीं का प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आता हुआ नज़र आ जाए। मुझे लग रहा था कि हमने एस्केप कर लिया है, बट नहीं यार, यहाँ से बाहर निकलना ना सच्ची में इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। बाकी नीचे भी बहुत घना जंगल है, बट यहाँ से तो वहाँ तक पहुँचना बहुत इम्पॉसिबल है। मुझे लग रहा था जहाँ से मैं आया हूँ ना, मुझे वहीं वापस जाना चाहिए। हम लोग खाली पीले इस एयर स्ट्राइप पे आ गए, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि हम लोग बस अभी एस्केप कर गए, बस बात हुई, प्लेन आता ही होगा। कुछ रेजिडेंट इविल टाइप, आपने अगर देखी हो अपनी रेजिडेंट इविल सीरीज, उसमें भी ऐसे होता है, एंड में हमें बस एक मिल जाती है, एयरफोर्स से बात हो जाती है, वो आते हैं हेलीकॉप्टर या प्लेन में बिठा कर शहर से निकल लेते हैं। बट नहीं, इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये रेजिडेंट इविल नहीं है, ये कुछ अलग ही चीज़ है। कुछ अलग से इक्विपमेंट है जो कि हमने अपने साथ कैरी कर लिया है, पता नहीं वो कहाँ पर यूज़ होने वाला है। बट हाँ, अभी मुझे इस एरिया को थोड़ा बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना होगा। मेरे पास जो मैप था ना, मुझे ये देखना चाहिए, मुझे एक नया मैप मिला है। तो लास्ट टाइम ये रही वो एयर स्ट्रिप जहाँ पर हम लोग आए थे, ये एक एरिया है C1 जहाँ पर शायद से हमें जाना चाहिए। तो ये है 27 एंड इधर जाने के लिए मुझे ईस्ट डायरेक्शन में फॉलो करना है, और 27 और 25 के लिए मुझे साउथ, यानी मुझे अभी साउथ ईस्ट में मूव करना है। अगर मैं अपनी वॉच निकालूँ तो ये है साउथ और ये है ईस्ट, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स उसके 27, 25, तो यानी मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना है। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैं उस कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचने वाला हूं जो मैंने मैप में देखे थे, और ये देखो यहां पर आने पे हमें क्या फायदा मिला। इधर एक अलग ही जगह है, यहां पर वेट, ये री क्लाइंबिंग प्लेस जिसमें मुझे वो जो मेरे को आइटम मिला था ना वो लगाना है। पता नहीं वो शायद से ना रोप जो होती है उतरने के लिए जो काम आती है इस टाइप की जिपलाइन पे, वो चीज थी वो, और अभी मैं उस पे से उतर कर नीचे आ चुका हूँ। और भाई कितनी ज़्यादा अजीब सी आवाज़ आ रही है इस केव में। वैसे रियल में भी कुछ ऐसी आवाज़ आती होगी यहाँ पर। मुझे ना सबसे पहले यहाँ से पानी पीना है, पानी मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा गंदा होगा, मेरी बॉडी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इस पानी से, बट मेरे को चेक करना है, मेरे पास रेड वाले मशरूम है ना, ठीक है, इससे ठीक भी हो जाती है क्योंकि, तो उसे फटाफट से पी लेते हैं। अभी अपनी बॉडी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, तो आप जो हेल्थ बार के ऊपर मेरे वाला मार्क देख पा रहे हो ना, ये प्रॉब्लम होती है, बट मैं से ये खा के हटा सकता हूँ। बाकी ठीक है, मुझे और पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा बहुत खाना है, ये खा लेते हैं। अभी मुझे करना क्या है यहाँ पर आकर, इधर दो बॉक्सेस पड़े हैं, इसमें डाइविंग इक्विपमेंट है। अभी मुझे अंडर वाटर स्विम करना है, वो डाइविंग इक्विपमेंट शायद से मैंने वियर कर लिया है, मुझे अभी पानी के अंदर जाना है ना। वेट भाई, यहाँ पर और भी काफ़ी सारे डाइविंग इक्विपमेंट पड़े हुए हैं। लेफ्ट साइड में एक टनल जा रही है, राइट साइड में तो खैर रास्ता बंद है, यानी ये जो पाइप है ना, मुझे शायद से इसी के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेट्स गो भाई, इस गेम में मुझे इतना सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएगा ना, मुझे कोई आइडिया नहीं था भाई। मैं कह रहा हूँ ना, ये पुराने टाइम की आदिवासी वाली कहानी से लेकर पता नहीं हमें कहाँ कहाँ लेकर जाने वाला है। राइट साइड में भी एक रास्ता था जो कि बंद था, यानी कि मुझे इसी साइड पर निकलना है यहाँ से सीधे सीधे। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने यू टर्न मारा हो और मैं वापस घूम के, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर से एक राइट कट आ गया ना। ये जो नेचुरली केव बनी हुई है ना जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, उन लोगों ने उसी में से कोई तो रास्ता बना दिया है। बाकी पानी थोड़ा बहुत गंदा है इसलिए बाहर का कुछ नज़र नहीं आ रहा, बट हम लोग जैसे तैसे करके यहाँ से एस्केप कर चुके हैं, मतलब एक दूसरी साइड पर आ चुके हैं, पर ये जगह मुझे बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं लग रही। ओ वेट, वो गाइस वाला माउंटेन देखो, वहाँ पर एयरलाइन है शायद से, और हम लोग अभी उस जगह के नीचे आ चुके हैं जहाँ मैं कह रहा था ना आगे शायद से और भी जंगल है, बट मैं वहाँ पर जा नहीं पाऊँगा। पर अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और नीचे एक जगह और है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मैं समझ गया। फटाफट फटाफट हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं, मुझे वहाँ से नीचे उतर के आना होगा। भाई पता नहीं आज मैं कितना एक्सप्लोर कर डालूंगा एक ही दिन में। पहले हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे इस गेम में, पर अभी बस मैं जल्दी जल्दी जगह ढूंढ रहा हूँ और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेट्स गो, यहाँ पर भाई मस्त मस्त रास्ते बने हुए हैं, पक्का कोई ना कोई बहुत ज़्यादा तगड़ी कोई कंपनी तो नहीं, बट इंसान मेरे आसपास है जिनके पास कुछ अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये सब बनाना किसी एक नॉर्मल आदमी का काम नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ से भी हमें वो जिप लाइन लगानी है, और ये हम लोग आ चुके हैं यहाँ से कई ज़्यादा नीचे। वेट,
मैं सही में कई ज़्यादा नीचे आ गया हूँ, मुझे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। इधर एक केव है, काफ़ी बुरी तरह इसमें पानी चू रहा है। बाकी धीरे धीरे मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है। यार टाइम कितना हो रहा है, मुझे एक बार टाइम पता करना होगा। वेट, अभी दोपहर के 2 ही 2 बज रहे हैं। मैं खाली पीली टेंशन ले रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा रात हो गई हो, बट ऐसा नहीं है। अभी दोपहर के 2 है, वो तो बारिश वाला मौसम है ना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। बाकी मैं उस जगह पे वापस आ गया क्या, पता नहीं। ये जगह कुछ उस टाइप की लग रही है जहाँ पर हम लोग शुरुआत में आए थे और जहाँ पर हमें कैंप मिला था, बट नहीं, शायद से वो नहीं है ये। मुझे एक बार मैप से पता करना होगा ये जगह कौन सी है। हम लोग यहाँ से डाइव करके इधर पहुँचे, यहाँ से उतर के यहाँ पर आए हैं। मीन्स अगर देखा जाए अपने एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स तो 25-27 है। अगर हम देखें 25 and 27, तो हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पर खड़े हुए हैं इस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उस टाइम यहाँ हैं, और सामने बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं जहाँ पर हमें शायद से मूव करना है। तो चलते हैं। बस मैं जाने के लिए सोच रहा हूँ कि पानी का यूज़ ना करूँ, क्योंकि यार पानी में होते हैं क्रोकोडाइल जो कि काट लेते हैं, मतलब ज़िंदा ही मार देगा भाई। वो क्या ही काटेगा, छोटा बच्चा थोड़ी है, सीधा खा जाएगा भाई, खींच लेगा पानी के अंदर। तो वहाँ से ना जाएं तो ज़्यादा बेटर है। बाकी मुझे यहाँ से एक ये स्ट्रिप्स मिल चुकी हैं और ब्लू मशरूम मिल गए हैं, और ब्लू मशरूम समझ लो ऑलराउंडर है। अगर हमें कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है ना, तो ब्लू मशरूम सच्ची में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बाकी यार देखो, अभी उस पार जाने के लिए मुझे पानी का तो यूज़ करना ही होगा। प्लीज़ क्रोकोडाइल भाई मुझे मत काटियो, बस यहाँ से यहाँ तक के लिए आऊँ। मैं बच गया भाई, कोई भी नहीं था, अच्छा हुआ पानी में। वैसे यहाँ पर ना ब्लैक वाटर है, और ब्लैक वाटर में ही होते हैं क्रोकोडाइल। और गाइस एक बार ही देखो, कहाँ थोड़ी देर पहले मुझे लग रहा था कि रात होने वाली है या फिर कैसा डेंजरस सा मौसम हो रहा है, बट अभी देखो झटके से बादल गए और क्या ही मस्त धूप निकल चुके हैं यहाँ पर। बाकी हाँ, अभी मैं स्विम करता हुआ बहुत ज़्यादा आगे तक तो आ गया हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारी फिश भी है, बट मेरा फिशिंग करने का मन नहीं है, इसीलिए हम लोग चुपचाप यहाँ से आगे निकलते हैं। छोटे छोटे माउंटेन्स यहाँ पर बने हुए हैं बीच बीच में, जिसमें से केव जा रही है अलग अलग जगह पे, और हम लोग बाद में चलेंगे उस केव को एक्सप्लोर करने। गाइस वैसे तो यार देखो, अभी तक मुझे इस जंगल में ना कोई भी खास जगह नहीं मिली है। मतलब यार ये जो अलग अलग पॉइंट्स हैं ना, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा, बट मैं अभी तक वहाँ इसीलिए नहीं पहुँच पाया क्योंकि बस मैं पानी में इधर से उधर घूमे जा रहा हूँ। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग यहीं पर सोते हैं। ओके गाइस, तो मैं सोकर उठ चुका हूँ, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मुझे सबसे पहले ना यहाँ से थोड़ा बहुत पानी पी लेना चाहिए, मेरे पास रेड मशरूम है ना, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी यहाँ थोड़ा बहुत फूड है, ये खा लेते हैं। रेड मशरूम मुझे बीच रास्ते में से मिल ही जाएगा, ब्लू मशरूम से भी अपना काम हो जाएगा। बाकी मुझे पता है बाहर सोने से प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि हो गई, बट मेरे पास इसका हमेशा ट्रीटमेंट रहता है। मुझे पहले ये लगाना है, उसके बाद लिली ड्रेसिंग लगानी है, और एवरीथिंग इज़ गुड। हाँ तो अभी मुझे ना यहाँ से सीधा वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना है, शायद मुझे वहाँ पर कुछ ना कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। कॉज अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो अभी मैं हूँ इस टाइम पे 21 and 31 पे। 21 and 31 इस मैप के हिसाब से एकदम कॉर्नर पे है, तो मुझे अभी जाना है यहाँ, मीन्स 28 पे। तो वहाँ पर जाने के लिए मुझे बस वेस्ट डायरेक्शन में फॉलो करना है, और उसके आगे शायद ना कोई लैब वगैरह है, देखने में बस ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी चल के देखते हैं क्या है। तो अभी बस मुझे यहाँ से सीधा सीधा जाना है। ऑल राइट, तो अभी मैं वेस्ट डायरेक्शन फॉलो करता करता बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ, और जैसा कि मैंने बोला था कि अगर बाय चांस मुझे कोई ट्राइब विलेज मिल जाए, जो कि मुझे मिल चुका है, बस यहाँ पर रिचुअल कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई बाउल होना चाहिए, और अगर कोई है तो पहले बता दो, क्योंकि वो मेरे हाथ में ही है, एरो उसके अंदर लोडेड है, मुंह तोड़ने में ज़्यादा देर ही नहीं लगनी है। ठीक है, वैसे यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो मुझे यहाँ पर ना फटाफट से एक स्मॉल कैंप फायर बनाना है, जिसके लिए मेरे पास स्टिक्स बहुत कम है। तो मुझे सबसे पहले कुछ लकड़ियाँ तोड़ के लानी होगी, और लकड़ियाँ तोड़ने के लिए मेरे पास बहुत तगड़ी एक्स है। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग फटाफट से लकड़ियाँ तोड़ते हैं। वेट, एक गई, दूसरी गई, तीसरी गई, और ये चौथी गई। ठीक है, लकड़ी यहाँ से हमने काट दी, सेम ऐसे हम लोग इधर भी लकड़ी काटते हैं। लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो अपने बैकपैक को मैंने पूरा का पूरा स्टिक्स से भर डाला है। अब बस मुझे ना यहाँ पर एकदम मस्त आग लगानी होगी, बट जब तक बारिश हो रही है ना, शायद से मैं आग जला नहीं पाऊंगा। फिर भी ट्राई करने में क्या जा रहा है, बड़े दिनों बाद हम लोग ट्राई कर रहे हैं, क्या पता अभी तक हमारी इतनी ट्रेनिंग हो गई हो कि हम लोग बारिश में भी आग लगा पा रहे हैं। मेरे पास कैंप फायर की ऐश है, बट इससे नहीं, नहीं यार मुझे ना कुछ ऐसी कुछ सूखी हुई पत्तियां लेकर आनी होगी। वेट, पता नहीं यार कैसी छोटी मोटी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ जाती है ना, मुझे लग रहा था अपने पास पड़ी होगी,
बट नहीं है, तो अभी मुझे एक ड्राई लीफ सामने ही है, मेरे को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। फटाफट से इसे कट करते हैं, मुझे इसमें से कोई ना कोई ड्राई लीफ मिल जाएगी और उससे हम लोग बहुत सारा ड्राई मटेरियल ले सकते हैं जो कि आग लगाने में काम आएगा। तो मुझे इसे फटाफट से उठाना है, ये आ गई अपने पास ड्राई लीफ। और अभी मुझे यूज़ करनी है हैंड ड्रिल, ये रे इसे करना है यूज़, और इसके अंदर डाल देनी है मुझे ड्राई लीफ। जैसी आग लगेगी, मैंने आग क्यों लगा दी, वेट 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 वेट, कैंसिल कैसे हो गए, मैंने गलती कर दी। आग लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर उसके लिए कैंप फायर भी तो होना चाहिए। ऑल राइट, तो सबसे पहले मुझे बनाना है एक स्मॉल फायर और उसके अंदर फटाफट से बहुत सारी स्टिक्स लगा देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो गया कंप्लीट। अब मुझे इसमें आग लगानी है, आग लगाने के लिए मुझे ड्राई लीफ चाहिए होगी जो कि मैंने पीछे पेड़ काटा है, इसमें से मुझे मिल जाएगी कुछ ना कुछ सूखी पत्तियाँ। और अभी मुझे हैंड ड्रिल का यूज़ करके कुछ इस टाइप से इसमें आग लगानी है, ठीक है। हाँ, तो आग लगाने के लिए मुझे ड्राई लीफ डालनी होगी इसके अंदर। बस बारिश प्लीज, आग को जलने देना यार थोड़ी देर, मेरा काम हो जाएगा उतने में। लेट्स गो, यहाँ पर आग जल चुकी है, इसके अंदर हमने आग लगा दी और सारा सामान इसके अंदर डाल के हमें रिचुअल स्टार्ट करना है। लेट्स गो, पता नहीं मुझे क्या ही देखने को मिलने वाला है इस बारी। ये सूप पी के, हर बारी हम लोग ये अलग टाइप का सूप पीते हैं और मौसम टाइम सब कुछ चेंज हो जाता है। बच्चे की आवाज़ मेरे को आ गई है, वो गया भागता हुआ। ओए बावड़ी पूंछ रुक जा, अभी शायद से मुझे उसी गुफा के अंदर लेकर जाने वाला है जो मैं उस टाइम पे नहीं खोल पाया था। उबे भाई लिटरली मैं डर गया, क्योंकि है ना कोंडा मेरे साथ साथ चल रहा है, मेरे को बस इस बच्चे को फॉलो करते जाना है, यही मुझे रास्ता बताएगा इस जंगल से बाहर निकलने का और मियाँ तक पहुंचने का। पता नहीं यार ये किस टाइप का ब्लैक मैजिक है। मुझे राइट साइड में कुछ मॉन्स्टर सा दिखा भाई, कसम से पता नहीं वहम था या फिर वो क्या था। मुझे इसी के अंदर जाना है। ऑल राइट, यू नो मियाँ की आवाज, Doctors gave me 6 months. Okay. How am I supposed to live my life when time is running out? How the fuck do I just can't. I can't do this anymore. ये क्या है? Next to you. Jake Higgins. Every day. Extraordinary discovery. Jake. हम लोग news पे आ रहे हैं। शायद से इस गेम में हमारा नाम जेक हिगिंस है जहाँ तक मुझे याद है, और हम लोग न्यूज़ पे आ रहे हैं। पेशन मियाँ हिगिंस, वेट 60 मिनट, ये तो मियाँ का है, ये री मियाँ, बट मैं जैसे इसे टच करूँगा ये गायब हो जाएगी। कर देते हैं फिर से टच। What price? What did we? मैंने लास्ट टाइम स्टार्टिंग में वीडियो की गलत बोल दिया था कि हमें एकदम रियल पास्ट नज़र आता है, इसमें ऐसा नहीं है, हमें पास्ट एंड फ्यूचर सब कुछ नजर आता है जब हम वो रिचुअल कंप्लीट करते हैं। They all believed this was the only solution. भाई वेट, airports, मुझे सामने कुछ तो अजीब सा देखने को मिल रहा है। They are isolating the entire continent. वेट, तो इस टाइम ना ये सब लोग, यानी ये पूरा का पूरा शहर उस बीमारी को ढूंढने में लगा हुआ था जिसे हमने ढूंढ दिया है। और अभी हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं, बट पीछे से शायद किसी ने हमारे एरो बजा दिए भाई। और किसी ट्राइब के बंदे ने आके हमें मार दिया, वो भी रिचुअल में। तो भी हम लोग जिंदा होंगे या मर जाएंगे मुझे कोई आइडिया नहीं। ये लोग मुझे कहीं तो लेकर आ गए हैं। मुझे थोड़ी बहुत कहानी समझ आई है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट ये तो हमारी ही डेड बॉडी है शायद से, जिसे डिग कर दिया गया है यहाँ पर। नहीं नहीं हमारे नहीं है यहाँ पर, एक नहीं दो नहीं, ऐसी बहुत सारी बॉडीज हैं भाई। वेट, ओह सामने एक पूरा का पूरा शहर है। या तो हम लोग एस्केप कर गए हैं, बट नहीं, चारों तरफ जंगल ही है, ये कोई फवेला टाइप है। ऐसा लग रहा है जैसे सामने इंडिया की बिल्डिंग्स हो, कुछ इसी टाइप का व्यू आता है। पर
यहाँ पर कितनी सारी बॉडीज को फेंका हुआ पॉलिथिन में डाल डाल के। हम लोग शायद से हम लोग वापस आ गए, पता नहीं यार उसको पीने के बाद कहाँ पर ही हम लोग चले गए थे। बैक साइड में भी एक मुझे बॉडी नजर आ रही है। ग्रैपलिंग हुक गन मुझे यहाँ से मिली है। Look like you're gonna need this. ये क्या है भाई? पता नहीं। ये जो शूज है ना, ये ट्राइब के बंदों के नहीं है। मुझे पता नहीं, ऐसा क्या लग रहा है शायद से जो मियाँ है उसकी बॉडी होए, पता नहीं। नहीं, उसके नहीं है। ओके, ये कोई और है। ऑडियो रिकॉर्डर यहाँ पर पड़ा था उसी का, उसका। ओके, वो यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था बट नीचे गिरा, उसका एक पैर टूटा, वो अंदर आके लेटा और उसने अपनी लास्ट ऑडियो उसमें रिकॉर्ड करी और वो मर गया। बट अभी हम लोग यहाँ से सेफ है, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। ओके, शायद से अभी तक जो हमें अलग अलग जगह पे दिख रहा था ना कि यहाँ पर कोई सर्वाइवर आया होगा या फिर किसी ने यहाँ पर कोई तो पहले यहाँ पर आया, तो शायद से वो यही बंदा था। और अभी ना गाइस जो रिचुअल हमने करा उससे मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि यहाँ पर ना इस जंगल में बहुत से लोग आते रहते हैं कोई एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बीमारी का इलाज ढूंढने, जिसे हमने ढूंढ दिया शायद से, बट वो फ्यूचर था, यानी अभी हम लोग ढूंढने वाले हैं। तो मतलब अभी हमें उस बीमारी को ढूंढना है, शायद से आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी यार अभी मुझे एक फटाफट से सेव लोकेशन, मतलब एक कुछ पत्ती वत्ती काट के मुझे यहाँ पर एक अपने लिए शेल्टर बनाना है जहाँ पर मैं अपना गेम सेव कर सकूँ। बट बेड क्यों, हम लोग पूरा का पूरा शेल्टर बनाते हैं ना, गेम भी तो सेव करना है। वैसे यार कुछ भी कहो, गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 1, 2, 3 ऑलराइट, तो 3 लॉन्ग स्टिक मैंने यहाँ से ले लिया, बट उससे पहले मुझे यहाँ पर स्मॉल स्टिक लगानी होगी। 1, 2 and 3 ओके, तो बहुत सारी पाम लीफ भी मैंने यहाँ से इकट्ठी कर लिया है जो कि मुझे इसके ऊपर लगानी है, बट उससे पहले मुझे यहाँ पर स्मॉल स्टिक लगानी है और उसके बाद 3 लॉन्ग स्टिक लगानी है। उसके लिए पाम लीफ यहाँ पर फेंकते हैं। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं 400,000 लाइक के लिए। और अभी मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग शायद से मियाँ के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, या फिर हम लोग बस नेक्स्ट एपिसोड में इस जंगल से एस्केप करने वाले हैं। मुझे ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। अब बस वो जो ओमोलू करके कॉरपोरेशन की लैब है, बस मुझे शायद से वो जगह ढूंढनी है जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में ढूंढ के ही रहूँगा। तो मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना कि आपको आज का वाला एपिसोड कैसा लगा, क्या मैं जंगल में सर्वाइव करना सीख गया हूँ या फिर नहीं। और हाँ, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो रेड कलर का प्यारा सब्सक्राइब बटन है उसे जल्दी से दबा दो, और जिसने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा फटाफट से फॉलो कर लेना। बाकी यार आज के वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।